आ गए हैं। लेट मी चेक, द सेशन वाज टू बिगिन एट 11, इट्स ऑलरेडी 11। यस यस यस, वी आर लाइव। वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हमारा शेड्यूल टाइम था मिलने का 11 बजे, और हम लोग 11 बजे हैं यहाँ पर एक साथ। लेट मी सी हु ऑल आर देयर इन द क्लास, कौन कौन है जो टाइम पे आ गए, कौन लेट आएंगे वो भी पता चल जाएगा इससे। सो वी हैव संचित, नियति, जेसिका, अमन, सृष्टि, दानिश, एक मिनट, एरो डाउन करना पड़ेगा मुझे नाम पढ़ने के लिए, सलोनी, तेजश्री, गौरी, पृथ्वी, ओके, वी हैव रितिका, सरगम, राशि, मान्या, मसीन, ध्रुव, शाहवाज, सुचित, किशन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर जशनदीप, गुड मॉर्निंग डियर आयुष। तो मैं बस वेट कर रही हूँ एक सेकंड के लिए कि ताकि सब लोग और फटाफट ज्वाइन कर ले जो भी रस्ते में है। हे सौम्या, आदित्य, आकृति, किशन, सचिन, जिज्ञासा, एक ना पिछली बार क्लास में थी जिज्ञासा, वो डी वाली थी। ओके, सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कल का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और कल के सेशन के बाद वो कॉन्फिडेंस आया होगा मन में जो लॉ को लेकर आप लोगों को पहले परेशान करता था कि उफ 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 की जगह OMG, लॉ का क्लास है, मतलब वो वाला फील आना चाहिए यार हर लॉ की क्लास से पहले कि आज हम कुछ नया सीखेंगे, आज हम लोग लॉ पढ़ेंगे, और लॉ में हम लोगों को जो बचपन से सिखाया गया है विल गोना जस्ट री चेक एवरीथिंग कि क्या जो हमने पढ़ा है वो ठीक है, नहीं है, क्या है, क्या नहीं है, राइट? या विल अगेन गो एंड फॉल इन लव विद लॉ। करेक्ट करेक्ट। चलिए एक मिनट और रुको। हे पीहू, ओके, यहाँ पर भी अथर्व आ गए हैं, श्रुति आ गई है, आयुष आ गए हैं, शिशि आ गई है। मैं नॉर्मली ना वो नाम पढ़ना अवॉइड करती हूँ जो मुझे देखकर लगता है कि शायद मैं गलत बोल दूंगी, तो मुझे बड़ा वैसा सा फील होता है कि यार ये नाम गलत बोल सकती हूँ मैं, तो मैं फिर वो नाम पढ़ने में थोड़ा सा वो मुझे होता है। खैर, ओके, गुड मॉर्निंग गाइज, एंड नाउ लेट अस क्विकली बिगिन विद द सेशन। हमारा काफी अच्छा खासा मॉर्निंग विशेस हो गए। जो लोग लेट आए हैं तो लेट लतीफ, सब आप लोगों को मैं गुड मॉर्निंग विश नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप लोगों से यार एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? अगर आप लोगों को ये सेशंस अच्छे लगने होंगे ना, तो मेक श्योर यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, मेक श्योर यू टेल देम अबाउट एकाग्रता, बिकॉज दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम लोग जान लगा के आप लोगों को पढ़ाते हैं, एंड वॉट वी एक्सपेक्ट इज द गुड मार्क्स। ठीक है, हम लोग ये मानते हैं कि वेन वी टीच यू, पास होना इज वन थिंग, आप एग्जाम तो क्लियर कर ही लोगे, बट वॉट इज टॉप, ओवर द टॉप, उससे ज्यादा बड़ी बात क्या है? तो उससे ज्यादा बड़ी बात ये है कि आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स है, लाइक आउट ऑफ 400-300 प्लस का टारगेट रख के चलना है हमें। ओके, तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि कैसे कैसे हमारी आगे की स्ट्रैटेजी होगी। मैं अभी क्या स्टार्ट करूंगी, उसके बाद क्या स्टार्ट करूंगी, उसके मतलब मैं पूरा आप लोग को प्लान दे दूंगी। अगर आप सितंबर वाले हो तो आपको कैसे करना है, एंड इफ यू आर दिसंबर और आगे वाला टाइम तो कैसे करना है। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई वन थिंग राइट नाउ कि अभी एज ऑफ नाउ आईसीआई भी क्लियर नहीं है कि तुम लोग का सितंबर में एग्जाम होगा तो कब होगा, है ना, कैसे होगा। तो ये चीज इतनी डाइसी चल रही है ना अभी कि मैं, मुझे पता है कि तुम लोग भी कंफ्यूज हो, ठीक है, लेकिन अपने दिमाग में एक रफ कैलकुलेशन रखना इफ यू वांट टू गिव द अर्लियर अटेम्प्ट। ओके, और अगर आप लोग को लगता है नहीं यार मुझे पूरी तैयारी के साथ बाद में ही देना है, तो भी तुम लोग को सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ। तो लेट मी अगेन इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं हूँ स्वाति अग्रवाल, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी, सीए, सीएस, बीकॉम ऑनर्स, ये सब कुछ मैंने एक साथ किया था। मेरी सीए की जर्नी 4.5 से 5 साल के बीच के थी, है ना, तो हमारे टाइम पे कुछ अलग सिस्टम था, अभी 3.5 साल का आर्टिकलशिप होता था, अभी 2 ही साल का। ओके, नाउ इट्स बीन 10+ इयर्स आई हैव बीन टीचिंग, और बाकी तो तुम लोग मुझसे पढ़ते रहोगे ना, तो तुम लोग डेफिनेटली और मुझे जान ही जाओगे। कमिंग टू आगे का इन्फॉर्मेशन, जस्ट अ सेक, यस, हियर वी आर। तो ये है आप लोग का सिलेबस, विच हैज ओनली 7 चैप्टर्स, ओनली, जस्ट जस्ट ओनली 7 चैप्टर्स।
लेकिन ओनली 7 चैप्टर्स हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे? सो द पीपल हु आर विलिंग टू गिव एग्जाम इन सितंबर, है ना, तो सितंबर के लिए हम लोग मान के चल रहे हैं, डेट सो पता नहीं है, सितंबर स्टार्टिंग में होगा, मिड में होगा, क्या होगा, तो टिल अगस्त एक बार हमें पूरा सिलेबस करवाना है लाइव भी, बिकॉज आप में से काफी बच्चे हैं जो कहते हैं कि भैया टीचर दोनों अच्छे हैं लेकिन हमें तो लाइव पढ़ना है, ओके okay? और अगर आप में से कोई डिसाइड कर लेता है नहीं मुझे एक से ही पढ़ना है और उसका पूरा पढ़ना है, तो एसवी सेट के 2 वीक बाद तुम लोग को रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे, तब तक एग्जिस्टिंग बैच खत्म हो जाएगा तो उसकी कंप्लीट रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास आ जाएगी। लेकिन अगर आप मल्टीपल टीचर से भी लाइव पढ़ना चाहते हो तो टिल ऑगस्ट एक बार तो सिलेबस खत्म होगा, लेकिन कैसे होगा? तो आपका ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है विच इज वेरी वेरी बेसिक ऑफ द लॉ, एकदम बेसिक बेसिक लॉ है, तो ये आपको मैं कवर करवा दूंगी और मोर और लेस आज ही काफी कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। आई एम नॉट सीइंग द एंटायर चैप्टर, एंटायर चैप्टर थोड़ा सा प्रोसीजरल है जिसको पढ़ के तुमको मजा नहीं आएगा, तो मैं चाहती हूँ पहले तुम लॉ को इंजॉय कर लो फिर हम प्रोसीजर्स पे जाएंगे, तो बेसिक बेसिक आज मैं तुम लोग को सिखा दूंगी जो इंजॉय वाला पोर्शन है, ठीक है। और टिल ऑगस्ट ये जो 2 टॉपिक है 50 मार्क्स के, ये आपको आदर्श सर करवाएंगे, ओके। उसके बाद के ये जो बचे हुए जितने भी टॉपिक्स है ये मैं करवा लूंगी तुम लोग को कवर। सो बेसिकली हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड टिल ऑगस्ट इज कि हम पहले बेसिक्स पढ़ लेंगे, दैट इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का बेसिक बेसिक जो आज खत्म होगा हमारा, देन कंपनीज एक्ट स्टार्ट करेंगे बिकॉज यू विल गोना एंजॉय इट, फिर हम पार्टनरशिप करेंगे जिसमें आप और ज्यादा एंजॉय करोगे, फिर हम LLP करेंगे जिसमें और ज्यादा एंजॉय करोगे, और फिर हम नेगोसिएबल करेंगे उसमें तो अलग ही तुम लोग एकदम एंशियंट चीजों के बारे में सीखने वाले हो, ओके। एंड देन विल गो टू द प्रोसीजरल पार्ट ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो ये हमारा प्रॉपर सिस्टम रहने वाला है। कमिंग टू आदर्श सर क्या करने वाले हैं, तो अगेन ही विल गिव यू द डिटेल ऑफ द बैच एंड एवरीथिंग इन हिज फर्स्ट लेक्चर टुमारो, एंड देयर आफ्टर ही विल बिगिन विद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट और सोगा सर वहां पर इस तरह से करवाएंगे। नाउ कमिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर ऑगस्ट टिल अप्रोक्सीमेटली आई वुड से 31 अक्टूबर, है ना, दिसंबर में एग्जाम हुए तो 31 अक्टूबर तक तो खत्म करना पड़ेगा, अगर जनवरी में एग्जाम है तो भी हम कर लेंगे, फिर हम रिविजन चालू कर देंगे, ओके, विल प्लान वेरी नाइसली, डोंट वरी। तो ये जो 2 टॉपिक्स हैं जो सर ने यहाँ करवाए हैं वो मैं करवा लूंगी और आदर्श सर आपके ये वाले टॉपिक करवा लेंगे। सो ऑल इन ऑल मैं भी पूरा लॉ पढ़ाऊंगी, सर भी पूरा लॉ पढ़ाएंगे तुमको, है ना, इफ यू आर गोइंग टू गिव बात वाला टाइम। अभी अगर तुम कहते हो नहीं मुझे तो अगस्त तक ही करना है, लाइव ही करना है, तो आप ऐसे आधा आधा पढ़ सकते हो। तो मैम ऐसा चलता है क्या, मतलब आधा ये आधा वो, हम लोग को समझ में आएगा? डेफिनेटली समझ में आएगा, और इसीलिए समझ में आएगा बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज समथिंग टू डू विद सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बट इट डजंट हैव मच टू डू विद पार्टनरशिप एक्ट और LLP एक्ट और कंपनीज एक्ट और नेगोसिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये अपने आप में एकदम ही अलग कानून है, ओके। एंड सेम गोज वाइस वर्सा, ठीक है। आप में से जो लोग कह रहे हैं मैम जून के वीडियोस मैंने कल भी आप लोग को बताया था, आज भी वापस से बता रही हूँ, 2 वीक के बाद मतलब यू विल गेट ऑल द जून लेक्चर्स बाय से 1st of May, ओके, राइट गौरी, इट इज टोटली अप टू योर चॉइस, दोनों से पढ़ के देख लो, दोनों से पढ़ के मजा आ रहा है दोनों से पढ़ लो, आपको लगता है नहीं मेरे को एक को फॉलो करना है, आपके पास चॉइस है। अगर आपको लगता है मेरे को तो 2 बार सिलेबस खत्म करना है, तो एक बार मैं एक काम करती हूँ, ये जब मैम आप पढ़ाओगे मैं आपसे पढ़ लूंगी, बाद में सर पढ़ाएंगे तो सर से दोबारा पढ़ लूंगी, है ना, अभी सर जो पढ़ा रहे मैं वो पढ़ लेती हूँ, बाद में आप पढ़ाओगे तो मैं डबल डबल पढ़ लूंगी, टोटली अप टू योर विश, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ में ऐसा ज्यादा वो कन्फ्यूजन वाली भी बात नहीं है, आप आराम से दोनों से भी पढ़ सकते हो, ओके, बिल्कुल अमन, फिर आप मेरे लेक्चर्स कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हमारा प्रॉपर शेड्यूल ताकि तुम्हारा वो कंफ्यूजन दूर हो जाए कि पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। सो नाउ वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लॉ। आज मैं तुम लोगों को थियोरेटिकली कुछ चीजें बताऊंगी लॉ के बारे में, कल हमने डिस्कस कर ही लिया था कि प्रैक्टिकली तो तुम सब लोगों ने लॉ बचपन से पढ़ा है। आई थिंक बचपन में जब हम लोग पहली बार कुछ खराब चीज कर रहे थे, हाथ गंदे करते थे, कपड़े गंदे करते थे, तो शायद हम बोलना नहीं सीखे थे, हम समझना नहीं सीखे थे, लेकिन तभी भी मम्मी ने हमें ना लॉ सिखा दिया था, बेटा ऐसे नहीं करते, राइट। हम जब थोड़े से बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, तो हमें एक और रूल सिखा दिया गया कि स्कूल से घर ही आना, इधर उधर नहीं जाना है, जान लोगों से बात नहीं करनी है, किसी की दी हुई चीज नहीं खानी है, फिर वेजिटेरियन आपको सिखा कर भेजा जाता था, बेटा अपने घर का कानून है,
कि टिफिन में कोई खा रहे तो उसे पूछ के खाओ बेटा क्या है उसके टिफिन में, राइट। सो इस तरह की बहुत सारी चीजें बचपन से हम लोग प्रैक्टिकली सीखते आ रहे हैं। सामान लेना है, पैसे देने हैं, लिफ्ट में चलना है, सड़क के ऐसे नहीं, वैसे करो, वैसे नहीं ऐसे करो, अच्छे से ड्रेसअप होके जाओ, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। लोगों के सामने अच्छे से चम्मच से खाओ, घर में खा रहे हो तो तुम हाथ से खा सकते हो लेकिन तरीके से खाओ वो भी। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी हुई है ना। किसी को हर्ट ना करना अपने आप में एक कानून है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से होगी। नाउ कमिंग टू द फैक्ट दैट लॉ होता क्या है, उस पर हम लोग थोड़ा सा लाइट डालते हैं। तो लॉ इज सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज। लॉ क्या है, कुछ ऑब्लिगेशंस है, कुछ ड्यूटीज है, पर हमें कोई भी ड्यूटी फॉलो करने के लिए कौन फोर्स कर सकता है हमारे मम्मी पापा के अलावा। हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश की गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट हमसे कोई भी काम क्यों करा रही है, कोई तो रीजन होगा। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है वेलफेयर, गवर्नमेंट चाहती है जस्टिस टू सोसाइटी। तो लीगल फ्रेमवर्क ऐसा होता है जो हमारे देश का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एस्पेक्ट को ध्यान में रख के बनाया जाता है। अब एक और सवाल है कि यार कोई भी कंट्री है ना, ध्यान से सुनना, कोई भी कंट्री लॉ क्यों लेकर आती है। ओके ओके, 2 3 2 मिनट 2 मिनट। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे प्लीज बोलने दो, नहीं तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है, मैं भूल जाऊंगी। तो लेकिन फिर भी अगर आप तुम लोग कह रहे हो तो एक बार मैं बोल देती हूँ, सुन, है ना। सबसे पहली चीज, मैम क्या लेक्चर्स के साथ साथ नोट बनाओगे या उसके बाद? ऑब्वियसली टॉपिक खत्म होने के बाद हम नोट्स बनाएंगे, फिलहाल जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स नहीं बनाने हैं तुम लोग। ओके। नंबर 2, मैम अगर दोनों टीचर से पढ़ेंगे तो क्या दोनों की किताबें खरीदनी पड़ेगी? आप एक की भी नहीं लोगे तो भी चलेगा, बिकॉज पीडीएफ तो मैं अपलोड कर ही रही हूँ, है ना। तो मैं डेफिनेटली पीडीएफ अपलोड करूंगी। दूसरा मॉड्यूल है, कंटेंट सिमिलर ही होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमको। तुम किसी की भी बुक ले लोगे तो, और किसी की भी नहीं लोगे तो भी एज वी सेड पीडीएफ तो है ना तुम्हारे पास, राइट। अगर कुछ भी लिखना होगा तो मैं तुम लोग को बता दूंगी, फिलहाल तुमको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ पूरा फोकस मेरे ऊपर रखो, जो मैं बोल रही हूँ वो सुनते चलो। मतलब तुम ये मत सोचो कि तुम पढ़ रहे हो, तुम ये सोचो कि तुम अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो और तुम ऐसे ही डिस्कस कर रहे हो आसपास की चीजों के बारे में। हमें कितना मजा आता है ना, हम लोग जब देश और दुनिया की बातें करते हैं, उफ हमारे देश की तो बहुत हालत खराब चल रही है। आई टेल यू एन एग्जाम्पल, मतलब वो सुन के तुमको मजा आने वाला है। नाउ वंस व्हाट हैपेंड, पहले जब मैं पुणे में रहती थी तो उस समय पुणे से मैं अपने मम्मी के यहाँ जा रही थी जोधपुर, ठीक है। तो मैं जा रही थी ट्रेन से, एंड इट इज लाइक 24 आवर्स का रास्ता, अकेले ट्रेवल कर रही थी मैं उस समय। और मुझे ना पढ़ने का बहुत शौक है, नॉट द बुक्स ऑब्वियसली, द नॉवेल्स एंड द इंटरेस्टिंग वाले बुक्स। तो मैं एक एक दो नॉवेल्स लेकर ही ट्रैवल करती हूँ हमेशा, और वो निपटा लेती हूँ रास्ते में हमेशा। तो वो मैं अपनी नॉवल लेके बैठी थी, मैं अपने पढ़ रही थी, एंड कंपार्टमेंट में आपके अलावा भी बहुत लोग होते हैं, तो मेरे कंपार्टमेंट में मेरे अलावा 3 4 लोग और थे। तो वहां पर डिस्कशन चल रहा था जीएसटी के बारे में। ओके ना, व्हाट इज जीएसटी, थोड़ा सा तुम लोग को बता देती हूँ, इट इज रिलेटिंग टू लॉ। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ गप्पे मार रही हूँ, कानून से रिलेटेड ही बात कर रही हूँ। सो जीएसटी एक्ट उस समय नया नया पास हुआ था, 8 9 साल पहले की बात है। और उस समय क्या हुआ था कि जीएसटी को लेकर इतना हड़कम था, और हर इंसान ज्ञानी था, मतलब जिसको कुछ भी नहीं पता उसको भी ये ज्ञान है, अरे सरकार ने ये नया टैक्स लगा दिया, बड़ी तकलीफ हो गई है, हर चीज की रेट ही बढ़ गई है, ठीक है। तो नाउ गुड्स एंड सर्विस टैक्स का एक्ट काफी टाइम हो गया था पास होके, और हर चीज में अगर दुकानदार से बोलो और उसके पास जाके बोलो कि भैया तुम्हारे बर्तन के रेट थोड़े से ज्यादा है, कहते अरे वो तो इसलिए ज्यादा क्योंकि जीएसटी लगा दिया गवर्नमेंट ने, कुछ भी, ठीक है। तो वहां पर वो लोग चर्चा कर रहे थे जीएसटी से रिलेटेड, और जीएसटी के बारे में जो चर्चा चल रही थी उसमें काफी अतरंगी बातें चल रही थी। अरे आपको पता नहीं उससे कितनी महंगाई बढ़ जाएगी, अरे सरकार को कौन समझाए महंगाई, बोलिए ब्ला ब्ला ब्ला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्कशन चल रहा था। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्कशन करते करते आउट ऑफ द ट्रैक भी बातें चलने लगी कि रेलवे की टिकट भी इसलिए महंगे हैं, ठीक है। फिर ये भी मैं बस सुन रही थी और मेरे को हंसी आ रही थी, बट आई वाजंट सेइंग एनीथिंग बिकॉज उस समय तो ताजा ताजा पढ़ा भी था, एंड एट दैट टाइम आई यूज्ड टू टीच टैक्स एज वेल, तो काफी कुछ पता था, ठीक है। तो लेटेस्ट अपडेट्स थी ना, क्योंकि पढ़ा रही थी तो पढ़ भी रही थी। तो वो सारी चीजें सुनते सुनते मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी, मैं सुन भी रही थी, एंड लाइक एंड में कुछ तो हुआ कि अंकल ने मेरे से कुछ पूछा। वहां पे एक अंकल थे, यूज़ लाइक 55 60, तो उन्होंने मेरे से पूछा, कह रहे बेटा आप बताओ आपको नहीं लगता कि डे टू डे में ये सारी चीजें होने से ये ऐसा महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, छोटी छोटी चीजें महंगी हो गई है ना।
तो फिर मैंने कहा नहीं अंकल, एक्चुअली जीएसटी की वजह से नहीं हुई है, लेकिन लोग जीएसटी के नाम से चीजें महंगी कर रहे हैं, है ना, ग्रेजुअली ये चीजें सेटल डाउन हो जाएगी, टेम्पररी फेज है। कि अरे तुमको क्या पता बेटा, सामान तो तुम इतना लाते नहीं होगे, हम लोगों को पता है जब मार्केट में जाते हैं चीजें लेते हैं तो कितना डिफिकल्ट होता है। अरे सीए लोगों को पूछो कि कितना फर्क पड़ गया है। मैंने कहा बात तो सही है अंकल, वैसे मैं सीए हूँ। क्या फील आया था उस समय, आई कैन नॉट टेल यू गाइस, एंड दिस इज अ रियलिटी ऑफ एंटायर इंडिया, है ना, कि लोगों को जिस चीज को लेकर क्यूरियोसिटी होती है उस चीज को लेकर पता नहीं क्यों अतरंगी बातें बनाने लग जाते हैं। और ये जो अजीब सी अतरंगी सी बातें होती है, इसके अंदर एक्चुअली कुछ सिर पैर होता ही नहीं है, कानून पता नहीं है, पर हमें उसको तोड़ना मरोड़ना तो है ही। इतने साले सारे नए 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 एक्ट्स आते हैं, रेरा आया, ये आया, वो आया, हर एक्ट को पहले तो हम लोग रोक ही देते हैं, नहीं 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 ये तो गलत ही होने वाला है। व्हाई? बिकॉज़ वी आर सो रेजिस्टेंट टू चेंज, हमें लगता है चेंज हो रहा है तो हमारे लिए गलत ही हो रहा है। अरे ये सोचो जब कंप्यूटर्स पहली बार आए, है ना, या फिर जब एआई भी पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ तो कितना उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन था। बट नाउ द फैक्ट इज वी आर लिविंग विद एआई, वी आर लिविंग विद कंप्यूटर्स, वी आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी और हमारी लाइफ काफी इजी हो गई है। पहले अगर किसी को ट्रांसफर करने होते थे पैसे, मतलब 4 घंटे जाके बैंक में लाइन में लगो, और अभी इट इज अ मैटर ऑफ 4 सेकेंड्स, एक क्लिक करना है, अगर बंदा एडेड है तो हो गया ट्रांसफर। मतलब कितना ज्यादा टाइम सेविंग है ये सब कुछ, राइट? तो कानून भी जैसे जैसे हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस होते रहते हैं वैसे वैसे कानून बदलते रहते हैं। और कंपनीज एक्ट जब हम पढ़ेंगे तो मैं तुम लोग को बताऊंगी कि यार पहले पुराना कंपनीज एक्ट अलग था, फिर उसके बाद में 1956 में एक्ट आया, फिर अभी 2013 में दोबारा से कंपनीज एक्ट को चेंज करना पड़ा, क्योंकि जैसे हमारे आसपास का माहौल चेंज हो रहा है वैसे कानून भी तो बदलते जा रहे हैं। देयर यूज टू बी द टाइम जब भी घूंघट निकालना यूज टू बी कंपल्सरी, फिर वो अच्छा घूंघट मत निकालो, सर तक पल्लू ले लो, फिर उसके बाद में उससे फ्रीडम मिली, और फिर उसके बाद में अभी तो साड़ी पहन लो बाकी चलेगा, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे सूट पे शिफ्ट हुए। सी द लाइफ इज चेंजिंग मैन, है ना। एजुकेशन को लेकर पहले अलग रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, फिर चीजें चेंज हुई, फिर चीजें बदली, तो कानून भी बदलता रहता है एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो कानून है क्या? ये सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है। पर गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? ताकि वेलफेयर हो, सोसाइटी में जस्टिस हो। हमारे घर के कुछ रूल होते हैं यार कि रात को 10 बजे के बाद नहीं निकल सकते। अच्छा अगर निकलना है तो पूछ के निकलना पड़ेगा। मेरे घर में रूल हुआ करता था कि 9 बजे के बाद तो बाहर रहना ही नहीं है ना, क्या काम है, क्यों रहना है, ऐसी क्या जरूरत आ गई। लेकिन जब मैंने काम करना चालू किया, मैंने स्टार्टेड वर्किंग, मैं यूएस शिफ्ट में काम करी थी, ऑफिस से ही 11:30 बजे फ्री होती थी। रूल्स बदले, ठीक है। और ये इंडिया के लीगल फ्रेमवर्क है, वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कल्चर को। ओके लेकिन ये लॉ बनता कैसे? हमारे घर में रूल तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बना देते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं तो पापा बना देते हैं, है ना। तो हर घर में कोई ना कोई रूल मेकर डेफिनेटली होता है, कोई तो होता है जो लॉ बनाता है। वैसे ही हमारे देश के लॉ के सोर्सेस क्या क्या है, तो सबसे पहला है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। इस देश का जो संविधान है वही इस देश के कानूनों का बेस। फिर पुराने कोई और लॉज जो ऑलरेडी बने हुए हैं वो भी नए कानून का बेस बनते हैं। स्टेट असेंबलीज, हमारा जुडिशियल सिस्टम और कस्टम्स और यूसेजेस जो हमारी जरूरत है, ये सब चीजें लॉ का बेस बनती है। और ये लॉ पास कहाँ पर होते हैं? देखिए ये सुंदर सी इमेजेस यहाँ पर आपको चेंज होती हुई दिखनी है। ये क्या है, कहाँ की है ये इमेजेस? इतना सुंदर थिएटर टाइप्स कॉन्फ्रेंस रूम, ये हमारे देश का पार्लियामेंट है। ओके दिस ब्यूटिफुल इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑफ आर पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट इज द अल्टीमेट बॉडी जो कि लॉ बनाती है। तो कानून बनाना इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, कानून बनाना इज डन बाय सर्टेन सेट ऑफ लर्नेड पीपल। काफी सारे ज्ञानी लोग इकट्ठा होते हैं, बैठते हैं, और वो फिर संसद में कानून को पास करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमारा ये जो लीगल सिस्टम है, ये जो कानून का सिस्टम है, ये किस तरीके से वर्क करता है, कौन बनाता है? कस्टम्स मतलब प्रैक्टिसेस। ओके ये हमारे घर का कस्टम है कि हम लोग नवरात्रे में पूजा रखते हैं। ओके सो कस्टम मतलब जो चीज हम लोग करते आ रहे हैं,
राइट. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में एक बिल पास किया था, ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था 1935 में. हमें इंडिपेंडेंस कब मिली, किसी को पता है? कैन एनीवन टेल मी, हमें इंडिपेंडेंस कब मिली थी? नाइनटीन थर्टी फाइव में हम इंडिपेंडेंट थे? नो, वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. करेक्ट. सो 15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंट हुए, लेकिन उससे पहले ही 1930s में ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था कि अब उनका बोरिया बिस्तरा बांधने का समय आ चुका है. तो उन्होंने 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट पास किया था, और उन्होंने किस तरीके से बेसिक बेसिक काम चलेगा वो भी बता दिया था कि भाई तुमको यूनिटरी और फेडरल सिस्टम फॉलो करना है. ये देश इतना बड़ा है कि तुम सिर्फ एक सेंट्रल पावर से काम नहीं कर पाओगे, और अगर छोटे छोटे हिस्से बना दिए तो पता नहीं कितने बांग्लादेश और कितने पाकिस्तान बन जाएंगे. तो आपको एक कंसोलिडेटेड सिस्टम यानी सेंट्रल गवर्नमेंट तो रखना ही है, लेकिन फेडरल सिस्टम भी रखना है. जब जुडिशरी की बात आएगी तो उसमें भी यूनिटरी और फेडरल सिस्टम चलेगा, और फेडरल कोर्ट्स बनाने पड़ेंगे. पहला कोर्ट जो बना था उसका नाम फेडरल कोर्ट ही था, और ये जो फेडरल कोर्ट था इसने 12 साल में रफली 151 केसेस हैंडल किए थे. ओके, व्हाई वी सी सीक दिस 12 इयर्स, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो 1935 से 47 के बीच में 12 ही तो साल थे. तो इन 12 सालों में एस्टैब्लिश हुआ ये कोर्ट, एस्टैब्लिश होके काम करना चालू किया, और 12 साल में 151 केसेस ही हैंडल कर पाया. बाद में जब हम इंडिपेंडेंट हो गए, जब हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, तो इस फेडरल कोर्ट का नाम बदल दिया गया, और इसे हमने कहा ये हमारे देश का सर्वोत्तम न्यायालय है. आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट वेरी गुड इतनी शुद्ध हिंदी के लिए, बट मैं करूंगी. हमारे देश का सर्वोत्तम न्यायालय है ये, यानी कि द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया इट इज, और इसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, फेडरल अल्टीमेट एंड राइट, एपेक्स फेडरल कोर्ट सर्वोत्तम. ओके, सो सर्वोच्च न्यायालय जो है जहां पर फाइनल डिसीजन होगा, उसके बाद में कोई डिसीजन को रीथॉट नहीं होगा, उस कोर्ट को हमने नाम दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो इंडिपेंडेंस तक सुप्रीम कोर्ट अपना बेस बना चुका था, और फिर उसके बाद में फाइनली वो कोर्ट में कोर्ट इस लायक हो गया कि अब वो बाकी के छोटे छोटे कोर्ट्स को हैंडल कर सकता है. ठीक है, समझ गए? क्या हमें ये सब कुछ याद रखना है? नहीं रे, हम तो ऐसे ज्ञान की बातें कर रहे हैं, हम साथ में बैठे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ज्ञानी चीजों के बारे में बात करना ही चाहिए ना. अब एक और सवाल आता है, लॉ बनता कैसे है ना? हमने ये पढ़ लिया कि लॉ कौन बनाता है, तो लॉ बनाता है हमारा पार्लियामेंट. राइट, लॉ मेकर्स होते कौन कौन है, पार्लियामेंट में लोग कौन होते हैं? तो पार्लियामेंट में हमारे जो लॉ मेकर्स होते हैं वो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं. राइट, तो जिन लोगों को हमने इलेक्ट करके वहां पर पार्लियामेंट में बिठाया है, दोज इलेक्टेड मेंबर्स आर द वन जो हमारे देश के कानून की व्यवस्था को संभालते हैं. ओके, अब हमारे देश में अगर कोई भी नया लॉ लेकर आना है तो वो नया लॉ कैसे आएगा? तो कोई भी नया लॉ अगर हमें लेकर आना है तो उस नए लॉ के लिए हमारे जो ये लर्नेड इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट में, जो एमपीज होते हैं, एमएलए जो होते हैं, राइट, ये लोग इंट्रोड्यूस करते हैं नए लॉ को. तो नए लॉ को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है ना बेटा, उसको लॉ नहीं बोला जाता है, उसको बोला जाता है बिल. ओके, जब पास हो जाएगा, जब अप्रूव हो जाएगा, जब पूरी तरीके से अग्रीड हो जाएगा सब लोगों से, तब तो वो बनेगा लॉ. लेकिन जब तक वो लॉ नहीं बनता है तब तक वो बिल है. सो फॉर एग्जाम्पल, हम 18 ईयर्स के हो जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि अब तुम अडल्ट हो गए. राइट, उससे पहले हम टीनेजर्स होते हैं, उससे पहले हम किड्स, है ना, किड्स कहलाते हैं.
और एकदम जब छोटे से होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उसको एडोलेसेंट बोला जाता है, ओके ना, किड्स बेसिकली। तो आप धीरे 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 बड़े होते हो, तो आपका भी नाम बदलता है। सिमिलरली जब लॉ लॉ नहीं बनता है, लॉ लॉ बनने की प्रोसेस में होता है, तब तक उसे बोला जाता है बिल। ठीक है, अभी ये देखो इस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ तुम लोग के लिए, ध्यान से देखना होता कैसे है, मतलब हाउ टू मेक लॉ बेसिकली, राइट। तो कोई भी बिल जब लॉ बनने वाला होता है, उससे पहले उसे कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एक काम करते हैं, क्यों ना वो प्रोसेस में तुम लोग को ड्रॉ ही करके बता दूं, उसमें ज्यादा मजा आएगा मुझे लगता है। तो कोई भी चीज, जो भी चीज चेंज करनी है, नया लॉ लाना है, तो हम लेकर आते हैं एक बिल। ये जो बिल होता है, ये किसके पास जाता है सबसे पहले? तो आपने सुना है कि दो हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट में, लोअर हाउस अपर हाउस, लोकसभा राज्यसभा, है ना। तो ये बिल सबसे पहले प्रेजेंट होता है जनरली लोकसभा में, उल्टा भी हो सकता है इन सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस, बट इन जनरल लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में पार्लियामेंट का सेशन कभी भी तुम लोग को देखना है तो तुम लोग दूरदर्शन पे डेफिनेटली देख सकते हो, जहां पर सारे मेंबर्स जो होते हैं लोकसभा के, वो बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, दे टॉक अबाउट कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, बिल पास कैसे होगा, क्या नहीं होगा, यू नो ऑल दोस डिस्कशंस विल गोइंग टू हैपन। तो लोकसभा में वो सारा डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, और फिर अगर उनको सही लगता है तो वो बिल को कर देते हैं पास। अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये बिल में ना कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, तो वो चेंजेस करने के लिए वापस भेज सकते हैं और कह सकते हैं कि तुम इसको अमेंड करके लाओ, और अमेंड करने के बाद वापस लोकसभा में आएगा, वापस डिबेट होगा और फिर वो पास होगा। ठीक है, ये पहली चीज समझ में आ गई। अगर वो बिल पास हो गया तो लोकसभा से जाता है राज्यसभा। ओके, अब राज्यसभा में क्या होगा? अगेन उस बिल पे डिस्कशन होगा, डिबेट होगा कि हमें ये बिल पास करना है, नहीं करना है, शुड वी अप्रूव इट और नॉट, एंड देन अगेन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अगर अमेंड करना है तो यहाँ पर वापस जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगर बिल में चेंजेस करने हैं तो चेंज करने के बाद क्या वो वापस लोकसभा में जाएगा या सीधा राज्यसभा में भेज देंगे? ऐसा नहीं होता है, वो पहले वापस से जाएगा लोकसभा में, है ना, और लोकसभा में जाने के बाद वापस से उस पर डिबेट और डिस्कशन होगा, और फिर वो पास होने के बाद जाएगा राज्यसभा में। अंडरस्टूड? सुनो, बिल वेंट टू लोकसभा, डिबेट डिस्कशन हुआ, पास हुआ राज्यसभा में, राज्यसभा में भी अगर डिस्कशन में वो पास हो जाता है तो उसे भेजा जाता है हमारे प्रेसिडेंट के पास। ओके, सो सबसे पहले लोकसभा पास करता है, फिर राज्यसभा पास करता है, और फिर वो भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देन सीज द बिल, उसको अच्छे से चेक करते हैं, एंड देयर आफ्टर अगर उन्हें सब कुछ ठीक लगता है तो वो बिल को कर देते हैं पास, और फिर वो बिल बन जाता है लॉ, कानून। ओके, लेकिन अगर प्रेसिडेंट को भी ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो बिल मैं पास कर ही नहीं सकता, इट इज वेरी रेयर कि प्रेसिडेंट उसको वापस भेजे, तो प्रेसिडेंट उसके अंदर चेंजेस सजेस्ट करके वापस ही भेज सकते हैं, और चेंज होने के बाद वो वापस लोकसभा अप्रूव करेगा, फिर राज्यसभा अप्रूव करेगा, फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए आएगा, एंड देयर आफ्टर इट विल बिकम अ बिल। एट टाइम्स ऐसा होता है किसी किसी बिल को तो एब्रप्टली रिजेक्ट कर दिया जाता है, अरे इसमें चेंजेस क्या बताए, हमें तो ये कानून ही नहीं चाहिए, तो उस केस में वो बिल बेचारा बिल ही रह जाता है, वो कभी कानून बनता ही नहीं है। आई बात समझ में? सो लॉ को लॉ बनाने के लिए एक प्रोसेस लगता है, और प्रोसेस में समय लगता है, डिस्कशंस होते हैं। अभी किसी ने पूछा मैम व्हाट अबाउट स्टेट लॉस, स्टेट लॉस में फर्स्ट लेवल कमेटी, दैट इज लोअर कमेटी, हायर कमेटी, एंड देन इट मूव टू गवर्नर,
और फिर गवर्नर फाइनली उस पर साइन कर लेगा। तो प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर आ जाता है, लोकसभा राज्यसभा की जगह लोअर और अपर कमिटीज आ जाती है। ठीक है, तो मैम एक बिल्कुल लॉ बनने में करीब करीब कितना समय लगता है? एज अर्ली एज 24 आवर्स, एज लेटर एज 10 ईयर्स। देर आर बिल्स जिनको लॉ बनते 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 10-20 साल लग गए, एंड देर आर सर्टेन बिल्स जिसको गवर्नमेंट ने प्रियोरिटी पे पास करवा दिया 24 घंटे के अंदर अंदर। समझ गए? ओके, वीटो करके एक पार होती है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट अगर वीटो यूज कर लेते हैं तो उस केस में वो बिल फेल ही हो जाता है, वो पास होता नहीं। ओके, नहीं डोंट वरी, सेशन का जो भी हो उसके पीछे रीजन होगा। मैम लॉ को बनने के लिए बहुत टाइम लगता होगा? यस, जनरली टेक इयर्स, लाइक 2 से 3 साल इज लाइक बेसिक जो कानून बनने में लग ही जाता है। ओके, हाँ जी, कैसा लगा प्रोसेस लॉ बनते हुए देखकर? मजा आया? लॉ कैसे बनता है? चलिए, कमिंग टू द फैक्ट दैट के लॉज कौन कौन से तरीके के होते हैं, अलग अलग टाइप के लॉ होते हैं। पता है, एक होता है क्रिमिनल लॉ, मर्डर, रेप, थ्रेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग, एसॉल्ट, 140 है ना, दफा 302, ये सब क्रिमिनल लॉज में। तो इंडियन पीनल कोड के सेक्शंस है ये, जहां पर अलग अलग पनिशमेंट्स लिखे हुए हैं, दे आर ऑल क्रिमिनल लॉज। सिविल लॉज क्या होते हैं? सिविल लॉज, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, गुड्स की डिलीवरी नहीं करी, पैसे ले लिए, सामान नहीं भेजा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया, टेनेंसी राइट्स को फुलफिल नहीं किया, ये सब है हमारे सिविल लॉ। इसमें से काफी सारे सिविल लॉज हमारे सिलेबस में है। फिर आता है कॉमन लॉज, टू स्टैंड बाय विच इज डिसाइडेड, रात को 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजाना है, इट इज अ कॉमन लॉ। ओके, आप बहुत चिल्ला चिल्ला कर लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हो, आप तेज शोर नहीं कर सकते हो, दिस इज अगेन अ कॉमन लॉ। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है? सो ऑफन इसे हम कहते हैं जस्ट नेचुरल, इट डील्स विद सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस going beyond written law. Okay? So no one should be made a judge in his own cause. किसी को भी हम उसके cause के लिए you know judge नहीं बना सकते, that is principle of natural justice. ठीक है, अब law को हम enforce कैसे करते हैं? ये तो बहुत basic से थे, हमने देख लिया कि भैया general laws क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। Now, laws enforce किस तरीके से किए जा सकते हैं, कैसे कानून को लागू करवाएं? मुझे बताओ, लोकसभा में जो मिनिस्टर्स बैठे हैं, राज्यसभा में जो मिनिस्टर्स बैठे हैं, क्या वो ग्राउंड लेवल पे आकर हमसे कानून फॉलो करवा सकते हैं? क्या लगता है आपको? बेटा राज्यसभा का हिस्सा होते हैं ना प्राइम मिनिस्टर, ऐसे कैसे? प्राइम मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ दीज पार्लियामेंट्स मैन। जी, थ्रेफ्ट क्रिमिनल लॉ है, चोरी करना तो क्रिमिनल एक्ट है ना, सिविल थोड़ी है, नहीं रोक सकते। मिनिस्टर्स की ताकत है क्या हम लोग को आगे कह के, अरे तुम ऐसे क्यों, ऐसे गाड़ी चलो, ऐसे नहीं ऐसे गाड़ी चलो, नहीं। तो अब लॉ को एनफोर्स कौन कराते हैं? ये अंकल जी कराते हैं। देखा है इनको आप लोगों ने कभी कहीं? तो देखा होगा पुलिस स्टेशन के बाहर, ट्रैफिक पुलिस जो मेंटेन करती है ट्रैफिक को, ये सब वो कुछ लोग हैं जो लॉ को एनफोर्स करते हैं, मैनेज करते हैं। लॉयर्स, जजेस, कोर्ट्स, दे आर द पीपल बिहाइंड मैनेजिंग ऑफ लॉस, कानून को मैनेज करने के लिए ये तो होते हैं। सो गवर्नमेंट कानून बनाती है, लेकिन कानून एनफोर्स करने के लिए सारी बॉडी होती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जिसपे सबको सबको इंटरेस्ट आता है, टैक्स। गवर्नमेंट ने टैक्स लेवी कर दिया, भैया सबको अपने इनकम पे टैक्स देना है, लेकिन इनकम टैक्स सही से लोग पे कर रहे या नहीं कर रहे? रेड, कभी आपने सुना है प्राइम मिनिस्टर गए रेड मारने, यूनियन मिनिस्टर गए रेड मारने? नहीं, देयर इज अ डिपार्टमेंट फॉर इट। इनकम टैक्स एक्ट बनाया, लेकिन इनकम टैक्स को मैनेज करने के लिए बनाया सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और उसी के अंदर आते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट,
जो ये चेक करते हैं कि लोग ठीक से ईमानदारी से टैक्सेस भर भी रहे हैं या नहीं। अंडरस्टूड, ये बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही तुम लोगों को, ये बताओ। आर यू फीलिंग लाइक उफ क्या पढ़ रहे हो? हाउ डू फील, समझ में आया? यस, नहीं होती फिट फिट फिट। आप बस सुन रहे हो ना मेरी बात, बस सुनना ही है रे। मतलब कुल मिलाकर जो चीजें मैं बोल रही हूँ वो अगर समझ में आ रही है तो दैट्स इट, बस ये समझना है। हमें ये तो पता लगना चाहिए कि हमारे देश में इतने सारे कानून बन रहे हैं वो कैसे बनते हैं, है ना? हाउ डज पीपल मेक लॉज? हमारे सामने बैठे बैठे एक नया सा लॉ आकर सिर पे पड़ जाता है, वो नया लॉ कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है? ओके, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये जो भी सुन रहे हो, ये तुम ये प्रेशर लेकर सुनो कि हेला याद करना है तो प्रॉब्लम है, पर ये सोच के सुन रहे हो कि यार ठीक है ना, नॉलेज बढ़ाना है, अब हमसे कोई पूछ ले लॉ कैसे बनता है तो हमें पता लग जाएगा। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कॉमन डाउट आ रहा है वो भी पहले एड्रेस कर लेती हूँ। रुको, चार तरह का तुम लोग को बताया था मैंने लीगल सिस्टम में लॉज है, जिसमें से पहला है क्रिमिनल लॉज। तो कोई भी चोरी चकारी धोखाधड़ी फ्रॉड ये सब कुछ अगर होता है तो डेफिनेटली इट कम्स अंडर क्रिमिनल लॉज। सिमिलरली कुछ होते हैं सिविल लॉज। सिविल लॉज क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, किसी पर्सन में सब पर्सन ने गुड्स के लिए पैसे दे दिए लेकिन गुड्स नहीं भेजी, तो ये सब सिविल लॉज में आता है। ओके, कॉमन लॉज का एग्जाम्पल मैंने आप लोग को दिया, जो जनरली बनता है सब लोगों के लिए, जो भी जनरल पब्लिक है उनके लिए लॉज बनाए जाते हैं। सिमिलरली एक लॉ होता है विच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी चीज जो किसी भी रिटन लॉ के बियॉन्ड होती है। सड़क पे आप जा रहे हो और किसी की गाड़ी स्किड हो गई और वो गिर गया, तो क्या आपको कहीं पर ये लिखा हुआ चाहिए क्या कि उस इंसान की जाके हेल्प करो? किसी की तबीयत खराब है, सड़क पे चलते चलते बेहोश हो गया, तो उसके लिए क्या हमें किसी कानून की जरूरत है कि वो हमें ये कहे कि यार उसको पानी पिला दो, है ना? तो ये जो सारी चीजें वो अंदर से आती है, इट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। कोई अगर किसी का पर्स चोरी करके ले जा रहा है, आपके सामने ले जा रहा है, आप पकड़ सकते हो, तो वो कोई कानून नहीं कहता कि आपको पकड़ना चाहिए। ये तो नेचुरल है ना, मतलब ये हम बिना किसी के बोले कर लेंगे। दीज आर नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में है सिविल लॉज। मेजॉरिटी ऑफ सिविल लॉज आर देयर इन आवर सिलेबस। समझ गए? ओके, कमिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इतनी अलग अलग तरह की मिनिस्ट्रीज जो होती है, इतनी अलग अलग तरह की गवर्नमेंट्स जो होती है, हाउ डज दे परफॉर्म, है ना? किस तरीके से काम करेगी, कैसे परफॉर्मेंस होगा, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो हमारी एक कॉमन मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हिंदी में बोला जाता है वित्त मंत्रालय। मैं जब छोटी थी ना तो जैसे पापा वगैरह न्यूज देखते थे और मैं बैठे बैठे सिर्फ सुनती रहती थी। ओके, तो ये जो छोटी छोटी सी चीजें होती थी पता ही नहीं चलता था क्या होता है। वित्त मंत्रालय ने आज ये डिसीजन दिया, आज वित्त मंत्रालय बजट डिक्लेयर करेगा ना, व्हाट इज दिस वित्त मंत्रालय? सो वित्त मंत्रालय इज नथिंग बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट के अंडर एक बॉडी है, हमारे इकोनॉमिक के अंडर एक बॉडी है जो कि सर्व करता है इंडिया के ट्रेजरी को। इंडिया में पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से जाएगा, यूनियन बजट वगैरह सब इसके अंदर आएगा। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी डे टू डे लाइफ में जिस मिनिस्ट्री का कार्य सबसे ज्यादा आपको अफेक्ट करेगा, एक ऐसी मिनिस्ट्री जो सबसे ज्यादा आपको परेशान भी करेगी और सबसे ज्यादा आपको खुश भी करेगी, वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि टैक्स और हम वी गो हैंड टू हैंड, राइट? कोई भी इंसान अकाउंटिंग के लिए सीए के पास आए ना आए, पर टैक्स बचाने के लिए डेफिनेटली सीए के पास आता ही है। तो ये एक ऐसी कंट्रोलिंग बॉडी है जो इंडिया के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कंट्रोल करती है, ऑडिटर अकाउंट सर्विसेज को कंट्रोल करती है, इकोनॉमिक सर्विसेज को कंट्रोल करती है, और ये पूरी तरीके से इंडिया का पैसा कंट्रोल करती है। ओके, तो
रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रियली इम्पोर्टेंट, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती क्या क्या है? तो इनके अंडर होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, फाइनेंशियल सर्विसेज, हमारा देश कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगा, कितना कितना इन्वेस्ट करेगा, और पब्लिक एंटरप्राइजेस कैसे कैसे डेवलप करनी है. सो इट इज अ बिग डील. ओके, अभी मैंने तुम लोग को एक और चीज बताई थी, याद है मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें अब कंपनीज एक्ट बताऊंगी. दीपक कुछ याद नहीं रखना है, सब भूल जाओ, सिर्फ जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सुन लो, वो समझ में आना चाहिए. ओके, मैंने तुम लोग को बोला था ना मैं अभी तुम लोग को कंपनीज एक्ट पढ़ाऊंगी, बताया था राइट? अभी ये जो कंपनीज है, ये कंपनीज को कौन गवर्न करता है? कंपनीज को गवर्न करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. ये एक ऐसी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है जो कंपनीज को गवर्न करती है, एलएलपीस को गवर्न करती है, और इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड को भी गवर्न करती है. तो आपने सुना होगा ना ये दिवालिया हो गया, इसके पास तो पैसे ही नहीं है लोन चुकाने के लिए, बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, वो सारा कुछ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही देखते हैं. ओके, तो सिविल सर्वेंट्स बेसिकली इस डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं, इंसॉल्वेंसी डिपार्टमेंट को, एंड यूपीएससी के एग्जाम्स कंडक्ट करने का काम भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आता है. तो ऑफिसर्स इलेक्ट होते हैं, यूपीएससी के थ्रू इलेक्ट होते हैं, एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एपेक्स बॉडी है ICLS. नाउ ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बेसिकली क्या क्या करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो आपके कंपनीज के फॉर्मेशन से लेकर कंपनी के बंद होने तक के सारे काम करती है. अभी मैं आपको एक चीज प्रैक्टिकली दिखाती हूँ. हाँ, वेट, मजा आएगा तुम लोग को फॉर श्योर. ये देख रहे हो आप गूगल पे, कभी भी अगर आप लोग MCA सर्च करोगे ना तो आपको यहाँ पर पहला जो लिंक मिलेगा वो आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग है. ठीक है, अब पहला लिंक काफी लोगों को लगता है मैम ये तो स्पॉन्सर्ड हो सकता है, नीचे आ जाओ www.mca.gov.in, पहले लिंक पे क्लिक करते तो भी यही खुलता है, इसमें भी यही खुलता है. नाउ होम पेज, ये देख लो, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है. ऑल्दो मैं कंपनीज एक्ट शुरू करती हूँ तब मैं ये बताती हूँ, लेकिन अभी ही बता देते क्योंकि अब नाम आ गया. नाउ MCA इज ऑल अबाउट कंपनीज कैसे बनती है, डिजिटली आप कैसे बना सकते हो कंपनी, और ये देख लो आपको, मतलब ये देख के काफी मजा आएगा. सी, कंपनी रजिस्टर करना, कंपनी को बंद करना, LLP रजिस्टर करना और LLP को बंद करना, ये सब कुछ यहाँ पर आपको इजीली दिख जाएगा. अगर आप किसी की सर्विसेज लेते हो कंपनीज बनाने के, किसी CS के, किसी CA की, वेल एंड गुड. नहीं भी लेते हो, वेबसाइट इतनी स्मूथ हो गई है कि आप बहुत इजीली कंपनी को फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो. पहले कहा जाता था एक कंपनी को खोल के बंद करने में एक ह्यूमन लाइफ कम पड़ती है, आजकल ऐसा है कि कितनी कितनी कंपनियां लोग खोल देते हैं, कितनी कितनी बंद कर देते हैं. कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है और उसका आप एनुअल रिपोर्ट देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर वो भी देख सकते हो. ओके, तो आप कंपनीज के नाम के थ्रू सर्च कर सकते हो, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, वर्क स्पेस सर्विसेज चाहिए, सब कुछ MCA की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा. और MCA के बारे में कुछ भी जाने, बींग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डेफिनेटली काफी लोगों को बड़ा मन करता है MCA के बारे में जानने का, तो आप MCA के बारे में जान भी सकते हो उसकी वेबसाइट के थ्रू. इट इज प्रिटी, ऑलवेज गुड टू नो इट, राइट? क्रिमिनल लॉज आर रिलेटेड टू क्राइम, सिविल लॉज आर रिलेटेड टू बिजनेस, यस, समझ गए? चलो एनीवेज, आई थिंक इट इज प्रिटी मच इनफ टू नो अबाउट. तो अब MCA क्या करता है क्या नहीं करता उसके बारे में आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा. फिलहाल इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बेसिक बेसिक वेबसाइट देखते तुम लोग को अच्छा लगेगा इसलिए दिखा दी. कमिंग बैक टू अवर PPT, हाँ जी,
प्रेसिडेंट एक ही बिल को दोबारा रिजेक्ट नहीं कर सकते। हाँ जी हिमांशु, एक बिल को एक बार रिजेक्ट कर सकते, बार बार नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट का जो नोट होगा फिर वो फॉलो करना पड़ता है, ऐसा होता है। ठीक है, जी अथर्व, मैं आप लोगों को बता दूंगी कैसे होगा कैसे नहीं होगा। आगे बढ़े, ये तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कमिंग टू गृह मंत्रालय, प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो एक सबसे बड़ा मिनिस्ट्री होता है ना, जो सबसे बड़ी मिनिस्ट्री, जो एकदम क्लोजेस्ट पर्सन होता है ना प्राइम मिनिस्टर को, उसे दी जाती है। एंड दिस मिनिस्ट्री इज नोन एज होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या गृह मंत्रालय। ये जो मिनिस्ट्री है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर होती है। ये इंटीरियर मिनिस्ट्री है इंडिया की, और मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है इंटरनल सिक्योरिटी और डोमेस्टिक पॉलिसी के लिए। ओके, और यूनियन मिनिस्ट्री डेफिनेटली होम मिनिस्टर होते हैं। ये डिपार्टमेंट बॉर्डर मैनेज करता है, इंटरनल सिक्योरिटी मैनेज करता है, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख से रिलेटेड कुछ भी मैटर है तो वो इनके अंडर आते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, स्टेट्स डिपार्टमेंट, सब कुछ होम मिनिस्टर के अंडर आता है। लेट मी टेल यू, होम मिनिस्टर के अंडर जितनी चीजें आती है ना, दैट इज ट्रेमेंडस, मतलब मेजोरिटी ऑफ वर्क कम अंडर है। ओके, नाउ कमिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, उसके अंदर क्या होता है। तो बेसिकली हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स किस तरीके से होंगे, सेंसस ऑपरेशन डायरेक्शन कैसे होगा, और ट्रांसलेशन ब्यूरो जो होता है, ट्रांसलेटर्स होते हैं ना मिनिस्टर्स के मीटिंग्स वगैरह में, तो वो किस तरीके से काम करेंगे, ये सब कुछ आएगा डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के अंडर। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत, मजा आ रहा है। मोटा भाई का डिपार्टमेंट, जी हाँ। आप लोगों को पता है अभी करंटली होम मिनिस्टर कौन है? कौन है? अमित भाई शाह, मोटा भाई। सब देख रहे हो, जो भी पर्सन आपको प्राइम मिनिस्टर के क्लोजेस्ट दिखेगा वो आपके होम मिनिस्टर होते हैं। इन जनरल, जनरली ऐसा होता है। कमिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है ना। यहाँ पे जो भी लीगल अफेयर्स हैं, जस्टिस है, ये सब कुछ यही मैनेज करते हैं। तो बेसिकली हमारे जो भी कोर्ट से रिलेटेड डिसीशन है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये सब कुछ इनके अंडर आता है। कमिंग टू सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हैव यू हर्ड अबाउट शेयर्स, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, पैसा ही पैसा, क्या बात है। अमित शाह के बारे में सबको पता था। ओह माय गॉड, सो स्टॉक मार्केट गवर्न करना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कितना पैसा है यार इंडिया के स्टॉक मार्केट में, ये तो तुम सबको पता होगा। तो स्टॉक मार्केट को जो रेगुलेट करता है बॉडी, दैट रेगुलेटरी बॉडी इज सेबी। ठीक है, ये सिक्योरिटीज को, कमोडिटीज को मैनेज करते हैं ताकि रफ सेलिंग ना हो, है ना, प्रॉपरली मैनेज हो सके ये डिपार्टमेंट। ये जो डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओनरशिप के अंदर आता है, और 1988 में इसको स्टैब्लिश किया था। नाउ इट इज वर्किंग वेरी प्रोफेशनली। आप में से किसी ने पूछा था, मैम व्हाट अबाउट बैंकरप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी कोड, हमें कितना इंटरेस्ट आता है ना इस चीज में। हैला उसको दिवालिया घोषित कर दिया, हैला अभी वो अपने लोन्स नहीं पे करेगा, वो इतना अमीर था वो अमीर ही नहीं रहा। तो ये सारा कुछ आता है इसके अंडर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। 13 प्रोफेशनल्स को हायर किया गया 2016 में, बहुत रीसेंट की बात है ना, बहुत पुरानी बात नहीं है। 2016 फर्स्ट अक्टूबर को इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड बनाया गया, जिसमें इंडिविजुअल्स, कंपनीज, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म, ये सबने मिलकर फाइनली दे टुक द डिसीजन कि हमें ये बोर्ड बनाना है। नाउ द पर्पस, इट इज अटेम्प्टिंग टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी इन बैंकरप्सी। ओके, इट हैंडल्स द कॉजेज यूजिंग टू ट्रिब्यूनल्स, एनसीएलटी एंड डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। किसी को भी अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना है तो एनसीएलटी या डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ही उसको वो डिक्लेयर कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। समझ गए?
अच्छा, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और जरूरी हिस्से पर, क्योंकि ये हमें पता लगाना डेफिनेटली जरूरी है कि हमारा लीगल सिस्टम कैसे काम करता है। हमारा जो लीगल सिस्टम है वहां पर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से लेकर काफी चीजें हमें हैंडल करनी पड़ती है, और हमारे लीगल सिस्टम के अंदर सबसे जो बड़ा और एपेक्स कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है हाई कोर्ट, देन कम्स द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड देन द मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। यानी अगर किसी को कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है, छोटा मोटा केस है, तो जाते हैं हम मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के पास। वहां पर इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते हैं तो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, और फिर हम जाते हैं हाई कोर्ट एंड फाइनली इट गोज टू सुप्रीम कोर्ट। एंड दैट इज हाउ आवर जुडिशियल सिस्टम वर्क्स। ओके, आज के लिए इतना ही। ये नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप पर मैं शेयर कर दूंगी। ये नोट्स वैसे किसी पर्टिकुलर चैप्टर के नहीं है, क्योंकि चैप्टर जब स्टार्ट करूंगी उससे पहले डेफिनेटली मैं अपलोड कर ही दूंगी नोट्स। आज जो था वो बहुत बेसिक था कि लॉ होता क्या है, कहाँ से बनता है, कौन बनाता है, कितने तरह के लॉज होते हैं, और हमारे कानून की व्यवस्था को मैनेज कौन करता है। अगर ओवरऑल स्ट्रैटेजी के बारे में तुम लोग मुझसे सीखना चाहते हो, पूछना चाहते हो कि मैम कैसे करें, क्या करें, डिटेल में कहाँ से पढ़े, तो ये तुम लोग को फिलहाल डिटेल में पढ़ना ही नहीं। मैंने तुमको कहीं नहीं कि मैंने तुमको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करा दिया, वो तो मैं बाद में कराऊंगी ना। अभी मैं तुम लोग को सिर्फ बेसिक्स बता रही हूँ कि लॉ क्या होता है, बनता कैसे। ओके, मेट्रोपॉलिटन बेटा बहुत लोअर लेवल के कोर्ट्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स थोड़े से बड़े होते हैं इन कंपेरिजन टू द मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। जो बड़े बड़े शहर होते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, तो उन बड़े शहरों के लिए कुछ कोर्ट्स बनाए गए हैं, दे आर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। ओके, तो क्योंकि फॉर एग्जाम्पल से बैंगलोर बींग द बिगर सिटी, वहां पे ज्यादा केसेस आते रहते हैं, तो उनके लिए एक अलग से मेट्रोपॉलिटन कोर्ट भी, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो है वैसा। ओके मैम, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या करना है, कैसे करना है, वो जो मैं पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी ना। अभी तो मैंने तुमको रेगुलेटरी बताया नहीं, मैंने तो तुमको सिर्फ लॉ के बेसिक्स पढ़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कानून चालू करने से पहले, कोई भी लॉ चालू करने से पहले, तुम्हें मुझे ये तो बताना होगा कि लॉ क्या होता है और बनता कैसे। कमीज एक्ट बन गया, बना कैसे, फिर हम उसको पढ़ेंगे ना। तो अभी मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ एक ब्रीफ, कहते हैं ना, एक ब्रीफ चटाई बिछाई है जिसके ऊपर अब हम बैठेंगे और मस्त पिकनिक मनाएंगे। तो पिकनिक मनाने के लिए चटाई बिछानी पड़ेगी। सो दिस वाज जस्ट द चटाई व्हिच वी हैव जस्ट पुट इट, नो एक्ट इज कवर्ड सो फार। ठीक है, मेरा अगला क्लास होगा वापस से वेंसडे को 11 बजे। ओके, फॉर दीज 2-3 वीक्स वी आर गोइंग लाइक 2 डेज अ वीक, एंड देयर आफ्टर हमारे वीक में 3 दिन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। इफेक्टिवली ये जो तुम्हारा क्लास है ये 1.5 घंटे का होगा, क्योंकि हमने जब स्टार्ट ही किया है ना, तो इसलिए अभी हम लोग 1-1 घंटा ले रहे हैं, ताकि यू गेट एक्वेंटेड टू इट। कोई होमवर्क नहीं है अभी, पिछले या जब पढ़ाई शुरू कर देना तो चिल करना चाहिए, होमवर्क नहीं मिलता है तो मजे होता है, राइट? अच्छा, अभी एक स्ट्रैटेजी तुम लोग को बता देती हूँ। वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम यू ऑल इज, सबसे पहले क्लास में तुम लोग चाहिए हो मेरे को पूरी तरह से फोकस्ड। मुझे बिल्कुल ये नहीं चाहिए कि जब मैं पढ़ा रही हूँ तो तुम कुछ लिख रहे हो या इधर उधर ध्यान है या बहुत ज्यादा चैट चल रही है। आई वॉन्ट योर फोकस इन द क्लास, और थोड़ी बहुत हंसी मजाक तो देखो जरूरी है, बिना उसके तो लॉ में पढ़ाई हो नहीं सकती। जब क्लास खत्म हो जाएगी तो उसके बाद में मुझे तुमसे एक्सपेक्टेड है कि तुम पोस्ट क्लास रीडिंग करोगे। कमीज एक्ट चालू होते ही मैं तुमको क्वेश्चन राइटिंग का होमवर्क दे नहीं सकती, है ना। कमीज एक्ट चालू होगा तो मुझे तुम्हें इनिशियली तो पढ़ाना पड़ेगा, कुछ एक लेवल तक पढ़ लोगे तब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, उससे पहले तो सिर्फ बेसिक्स 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 ही होगा, करेक्ट है ना। तो यानी जब मैं जो पढ़ाऊंगी उतना तुम लोग पढ़ोगे, दैट इज माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू ऑल। और फिर उसके बाद में जब हम एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाएंगे तब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स का प्रैक्टिस करेंगे। So this is step number one, step number two, step number three. जब हमारी regular classes में से एक पूरा chapter खत्म हो जाएगा, तो उस chapter के खत्म होते ही, यानी कि जैसे ही हमारा कमनीजा खत्म हो जाएगा, तो फिर हम करेंगे उसका revision plus in class practice plus उसके माइंड मैप्स एंड सेक्शन समरी। तो जब हम ये लोग चारों स्टेप्स को क्रॉस कर देंगे ना,
तब जाकर हम लोग उस लेवल पर पहुंचेंगे कि लॉ में 80 क्या 90+ भी हम स्कोर कर सकते हैं। जस्ट व्हाट आई नीड इज क्लास के बाद डेली का 15-20 मिनट, वो भी आज से नहीं, जब से मैं बोलूंगी तब से, कि देखो अब मैंने तुमको पढ़ाना चालू किया है, अभी तुमको पढ़ना चालू करना है। ठीक है, आप में से जो लोग चाहते हैं कि मैम हमें आपकी नोट्स दे दो, सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल क्लिप्स कि मेरे नोट्स ऐसे बने हुए, तो एक टॉपिक समझाया हुआ उसके नीचे एग्जांपल दिया हुआ, एंड आई हैव लेफ्ट इनफ ऑफ स्पेस यहां पर तुम लोग खुद भी लिख सकते हो, एंड दैट इज व्हाई तुम्हारा पूरा लॉ ना मेरे 3 बुक्स में आया, 1 बुक में नहीं आया, है ना, बिकॉज उतना स्पेसिंग, उतने एग्जाम्पल, लिखने की जगह सब कुछ है उसके अंदर। सो दिस इज द वे माई बुक विल बी, और बाकी कंपनीज एक्ट अभी चालू होगा तो तुम लोग को दिख ही जाएगी। ओके, तो तुम में से अगर किसी को नोट्स लेना डेफिनेटली ले सकते हो, नहीं तो अभी मैं यही कहूंगी होने दो ना, 10 दिन बाद ऑर्डर कर लेना, जल्दबाजी नहीं है, तब तक पीडीएफ तुमको दे ही रही हूँ मैं। ओके, जो लोग अभी तक हमारे पास बैच जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, लेट मी जस्ट गिव यू वन थिंग, एक सब्सक्रिप्शन 9,999 रुपीज का, जिसमें आपको एकाग्रता के 6 एजुकेटर्स का एक्सेस मिलेगा, एंड ईच एंड एवरी एजुकेटर इज टॉप नॉच एजुकेटर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको लाइव क्लासेस पढ़ने का मौका मिलेगा, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो, अभी के क्लासेस जो मैं ले रही हूँ ये भी रिकॉर्डेड तुम कितनी भी बार देख सकते हो, और पुराने वाले भी तुमको एक्सेस दे दिया जाएगा, अनलिमिटेड वॉच टाइम है, पीडीएफ नोट्स तुम लोग को दे रहे हैं, 40+ इवैल्यूएटेड टेस्ट होंगे, और हम तुमको बता देंगे कि कब हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं वेल इन एडवांस, पूरा सिलेबस कवर होगा और रिविजन्स भी होंगे। ओके, और ये जो डिस्काउंट है 9999 का, ये सिर्फ 26 अप्रैल तक है, तो मेक श्योर टू गेट योर सब्सक्रिप्शन डन ASAP, तो जल्दी जल्दी आ जाओ हमारे साथ यहाँ पर, सो दैट मिलकर बहुत सारी मस्ती करें। टेलीग्राम ग्रुप जिसने भी ज्वाइन नहीं किया, भाई और बहनों, दिव्य और सज्जनों, आप प्लीज एकाग्रता का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, तुम लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो तुम पूछ सकते हो, राइट? एकाग्रता की वेबसाइट से, हाँ जी मोहसिन, अभी तक तो क्योंकि एक टॉपिक हुआ ही नहीं ना, अभी तो हम बेसिक बेसिक की बात कर रहे थे, तो इसलिए कोई भी चैप्टर अपलोड नहीं। ठीक है, आज मैं अपलोड करूंगी, नेक्स्ट वीक जो पढ़ाने वाली हूँ उसके लिए। नो क्वेश्चन, एंजॉय द सेशन, थैंक यू आयुष, चलिए थैंक यू सो मच गाइज, हैव फन, एंड आई विल सी यू अगेन ऑन वेडनेसडे, टेक केयर, बाय बाय।